गौ माताओं के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर प्रशासन और जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो रहे हैं, ऐसा तस्वीरें लगातार जिले में देखने को मिल रही हैं। खासकर बीजेपी हमेशा गौ माता की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यदुवंशी मुख्यमंत्री के विधायक के ही क्षेत्र में गौ माताएं भ्रष्टाचार और राजनीति का शिकार है। वह किस कदर बेहाल है, मऊगंज जिले में गौ माताओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सड़कों पर गायों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां हिंदुत्व के ठेकेदार, विधायक और संवेदनशील जिला कलेक्टर के होते हुए गौवंशों की दुर्दशा पर सिर्फ वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है। यहां पर गौशाला के नाम पर लाखों रुपए का गबन करने वाले सजातीय लोगों का विधायक संरक्षण करने लगे, ऐसे आरोप बीच बीच में लगते रहे हैं। वह भी तब जब पशुपालन मंत्री कह रहे हैं कि गायों की दुर्दशा पर सरपंच को जेल होगी, अन्य जिम्मेदारों पर कार्यवाही होगी, लेकिन मऊगंज जिला में संचालित लगभग सभी गौशालाएं आधी अधूरी और सिर्फ कागजों पर ही संचालित हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हनुमाना जनपद अंतर्गत खटखरी ग्राम पंचायत की गौशाला का है। यह गौशाला 38 लाख रुपए की लागत से निर्मित की गई है, जिसमें वर्तमान में 34 लाख रुपए की राशि का आहरण भी कर लिया गया है, लेकिन गौशाला आज भी अधूरी पड़ी है। ग्रामीणों को माने तो इस गौशाला में भारी भरकम भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले पंचायत सचिव मकरध्वज पटेल और विधायक के पीए रामानंद पटेल के अत्यंत करीबी हैं, जो कि इस भारी भरकम भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए ही इस भ्रष्ट सचिव को दो दो पंचायतों का प्रभार विधायक के निज सचिव के ही मेहरबानी पर दिया गया था। गौशाला की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि इस तरह के भ्रष्टाचार में सब बराबर के हिस्सेदार हैं। इतने भारी भरकम भ्रष्टाचार के बाद भी सचिव मकरंद पटेल के ऊपर कार्यवाही नहीं होना इस बात का प्रमाण है। अब सवाल यह है कि विधायक जी की भ्रष्टाचारी सचिव के खिलाफ कार्यवाही से क्यों बचा रहे हैं। माननीय जी चुनाव जीतने के बाद ही लोगों के बीच यह बोलकर खूब तालियां बटोर रहे थे कि सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जनता के साथ लूट को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा नहीं तो उनके रहते इस भ्रष्टाचारी सचिव को किसका संरक्षण है? आखिर क्यों ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद आज तक इस भ्रष्टाचारी सचिव को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया गया? आप देख सकते हैं कि इस अधूरी गौशाला में किस तरह गौवंशों के अंदर डाला जा रहा है। इस गौशाला में इनके रखरखाव और खाने पीने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अब ये गौवंश कितने दिन तक अपनी जान बचा पाएंगे, यह तो अब गोकुल के गोपाल ही जानेंगे। हे गोपाल, इन गौवंशों की रक्षा करना इनको आप ही सहारा है, क्योंकि सनातन के नाम पर प्रोपोगेंडा फैलाने में माहिर मऊगंज विधायक के विकास कार्यों को जनता भी देख रही है कि किस तरह से वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और चिंतनीय यह है कि बजरंग दल जैसे कई अन्य संगठन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। हाल ही में मऊगंज हनुमाना मार्ग पर आए दिन दर्दनाक घटनाएं घटित हो रही हैं। सड़क पर बिखरी लाशें प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शा रहा है। मजे की बात तो यह है कि बीते दिनों इसी से जुड़ा मानवाधिकार का हनन का मामला सामने आया, जब एक गौ सेवक जो कि अपने को संघी बताते हुए आप बीती सुनाई कि सड़क हादसे में गाय की मौत पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने का खामियाजा भुगतना पड़ा। वह भाजपा का झंडा लेकर सड़क पर गौ माता के पास बैठ गया तो उन्हें सीधे जेल जाना पड़ा। आप भी देखिए दृश्य। आपका नाम? राम रतन पांडे। निवास स्थान कहाँ? खटखरी। क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? हमारे यहाँ समस्या ये आ रही है कि यहाँ गौशाला बन रहा था, इसके पूर्व के जो सचिव लोग थे जैसे मकरंद पटेल हुए हैं और मोहन सिंह वगैरह हुए, तो ये लोग पैसा खा के चले गए, पूरी व्यवस्था कर नहीं पाए। आज कल हम लोगों को ये सूचना दी गई कि मवेशी हाला वर्तमान सरपंच के द्वारा वहाँ मवेशी हम लोग पूरे गांव के इकट्ठा करके वहाँ ले गए, लेकिन हुई तो कोई व्यवस्था नहीं, बेड़े और इसके बाद तुरंत छोड़ दिए। इसमें सब दोषी कौन है ज़्यादा? इसमें दोषी प्रशासन है, सरपंच सचिव और विधायक। मकरंद पटेल जी का जो आप नाम ले रहे हैं तो ये विधायक के करीबी माने जाते हैं? हाँ, करीबी माने जाते हैं, इसीलिए तो ऐसा किए कि पैसा भी खा के चले गए
और विधायक जी उनकी उनके ऊपर अपनी छाया बना के रखे हैं। अब हम लोग किसान हैं तो परेशान है। गायों को आज कल बुलवाए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा करके लाए और तुरंत यहाँ बेड़े और इसके बाद अव्यवस्था की वजह से पूरे छोड़ दिए गए। अब इसमें आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो आवारा पशु हैं इसके द्वारा हम लोगों की किसानी बर्बाद हो रही है, इसका निराकरण किया जाए। मवेशियों के लिए गौशाला बनाया गया है तो उसमें गौशाला में मवेशियों का संरक्षण दिया जाए। अब यही आपके पड़ोस में विधायक जी द्वारा धरना दिया गया था महादेवन मंदिर जी। अभी किसानों के लिए कौन धरना देगा? किसानों के लिए अब विधायक यहाँ के तो वो हैं, नेता जो है वही कर सकते हैं। और हम लोग अब क्या करें? हम लोग तो धरना करने जाएंगे तो विधायक जी ही बोल देंगे तो क्या डंडा मार के उठा ले जाएंगे। चलिए ठीक, सचिव और विधायक मकरंद पटेल जी का जो आप नाम ले रहे हैं तो ये विधायक के करीबी माने जाते हैं? हाँ, करीबी माने जाते हैं, इसीलिए तो ऐसा किए कि पैसा भी खा के चले गए और विधायक जी उनकी उनके ऊपर अपनी छाया बना के रखे हैं। हमारा नाम सर वेदमर द्विवेदी है। आज आपको पुलिस पकड़ के लेके चली गई थी, किस कारण? क्या पूरा क्या मामला है? है कि यहाँ गाय पर कई गाय हमारे रोड पर घर है, अब रोड सामने गाय रोज मरती हैं, रोज बीसों बैठी रहती हैं, रोज एक्सीडेंट होता है। अभी कल एक दिन एक लड़का मर गया यहीं एक्सीडेंट होकर, मोटरसाइकिल का उसका चक्का दो हो गया था, मोटरसाइकिल उसका टायर अलग हो गया, स्टेयरिंग अलग हो गई, आदमी मर गया। अब आज गाय मरी थी, भोर से एक एक्सीडेंट हुई थी, और बतक रही थी गाय, इधर उधर तड़प रही थी, उसको कुत्ते नोच रहे थे। हम वहाँ डंडा लेके बैठे थे सवेरे से, और जब सवेरे से कोई नहीं आया हटाने उसको देखने, तो हम वहाँ डंड लगा दिए, बीजेपी का झंडा, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की। आप भी बीजेपी से ही? हाँ, हम RSS में, हम आज 20 साल से 30 साल। झंडा लगा कर आपकी क्या मांग थी? झंडा लगा के साहब हमारी ये मांग है कि सब अधिक प्रशासन सोया हुआ है, धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, गाय इतनी मर रही है रोड पर, रोज ले जा के हर एक जलाशयों में, नदियों में देखिए आप, नालों में देखिए, कहीं कोई पर्यटक मुंह नहीं धो सकता, पानी नहीं पी सकता नदियों का, वहाँ पूरे गाय पड़ी हुई हैं। आप चाहते क्या हैं? हमें चाहते हैं कि गौशाला चालू हो साहब, गौशाला जो हर एक ग्राम पंचायत में बना चालू हो, हम लोग को खेत बोए जो सके, हम भी जी सकें, और गाय का संरक्षण हो। गाय अनाज जैसे, गाय हमारे धर्म की प्रतीक हैं, गाय मर रही हैं। आपको पुलिस पकड़ कर क्यों ले गई? पुलिस पकड़ के ले गई, विधायक जी यहाँ हिटलर साहब जैसा शासन करते हैं, विधायक जी कोई ध्यान नहीं देते यहाँ का, और सांसद महोदय, और जहाँ कुछ कहे हम लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हम पुलिस पकड़वा देते हैं, बंद करवा देते हैं। एक बार ऐसे कार्यक्रम में ऐसे पटवारी नहीं कर रहा था कार्रवाई, तो हम आवाज़ उठाए तो ये बंद करवा दिए, बोले इसको जब तक हमारा कार्यक्रम चले पुलिस कस्टडी में रखो। क्या कहाँ का कार्यक्रम था उस समय? उस दिन वही वो मोदी जी का जो विकास यात्रा थी, उसमें हम प्रचार किए, 5,000 पब्लिक जुबाए, हम खुद आए, और हम पटवारी हमसे पैसा मांग रहा था तो हमारा नाम नहीं लिखा था और किसान सम्मान निधि में, उसकी शिकायत किए थे? शिकायत की है तो हमको बंद करवा दिए वहाँ पर, तुरंत SDM साहब थे। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि हमारी गायों की रक्षा हो, हम लोगों को जो है तो पुलिस जो है अभी इतना ले गई, हमको मारी जलील किया, अब बताइए हम कहाँ जाएं, क्या आपके साथ मारपीट भी हुई? मारपीट किए ही है, पुलिस सीधे ले गई है। हम चाय पी रहे थे, चाय बैठ कर रोड पर, वहाँ गाय देख रहे थे, कुत्ता ताक रहे थे, और वो पुलिस आई तो हमको घसीटने लगी, पानी बरसते समय पूरा चाय तक नहीं पीने दिया दरोगा। धन्यवाद। मेरा नाम सर वेदमर द्विवेदी है। कहाँ से हैं? ये खटखरी के गांव के, यही हमारा घर है खटखरी में। क्या समस्या है सर? ये यहाँ आवारा पशुओं की वजह से बहुत एक्सीडेंट होता है रोज रात आए दिन, गाय भी मरती है, आदमी भी मरते हैं, और आज एक रात में गाय एक्सीडेंट हुई थी और जिंदा थी, उसको कुत्ते नोच रहे थे, तो हम वहाँ डंडा लेकर बैठ गए और कुत्ता देख रहे थे, जब 10 बजे तक बैठे रहे साहब, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम वहाँ बीजेपी का झंडा लगा दिए, तो बीजेपी शासन में ऐसी गाय मर रही हैं, ऐसा खेत रूंध रहा है आदमी, ऐसा किसान परेशान है। अब बीजेपी का झंडा किस कारण लगाए? बीजेपी का झंडा इसलिए लगाया कि बीजेपी के यहाँ शासन है,
माननीय विधायक जी है, माननीय और सांसद जी भी हैं, और क्या वो आते जाते नहीं देख रहे हैं गायों की तरफ? आप किस पार्टी से? हम भी बीजेपी से, हम संघ के आरएसएस के स्वयं सेवक हैं सर। आरएसएस से? आरएसएस से आज हम 35 साल से जुड़े हैं सर जी। हाँ जी। इसके बाद घटना क्या हुई? घटना ये गाय एक्सीडेंट हुई रात में, और उसको कुत्ते नोच रहे थे, और उसके लिए हम वहाँ उसको पत्थर में लगा दिए, बोर्ड वो बीजेपी का झंडा लगा दिए। तो प्रदीप जी जो है यहाँ के विधायक जी, पुलिस वालों से कहा कि हमको पिटवाए और ले गए घसीट के, पुलिस वाले सब गाय वो ले गए उठा के, हमारा सब झंडा उंडा सब निकाल दिए। अब पुलिस आपको भी घसीटी? हाँ, घसीट के ले गई, बंद किया था अभी तक कि अभी किसी तरह हमारे घर वाले भी, हमारी लड़की और बच्चे तो पहुँचे, तो बोली कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तब वो छोड़े हैं। तो इसके पूर्व में भी आपको किसी कार्यक्रम के तहत क्या कुछ ऐसा मामला था पुलिस लेके गई थी? हाँ, वो जब विकास यात्रा चल रही थी इनकी मोदी जी की, तो हम वहाँ प्रचार किए थे 3-4 दिन, यहाँ सम्मेलन होने वाला है, बैठक होने वाली है, माननीय विधायक जी और सांसद जी आने वाले हैं, फिर वहाँ 4-5 हज़ार पब्लिक जुहाई इकट्ठा किए हम, और जब हम वहाँ आवाज़ उठा दिए पटवारी के खिलाफ, तो ये हमको बंद करवा दिए, पटवारी पैसा ले रहा था सम्मान इसमें जोड़ने। आप पटवारी की शिकायत की है? जी, सम्मान इसमें पैसा मांग रहा था, 5-5 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये किसानों से पैसा देंगे जुड़ेगा। आज भी हमारे गांव में आधी किसान सम्मान इतनी नहीं मिलती साहब, और लाना लाडली बहनी योजना मिलती है। कार्यक्रम में भी पुलिस से उठवा दिए थे? हाँ हाँ साहब, बंद करवा दिए, ये बोले कि जब तक सांसद महोदय तक थे, एडीएम साहब थे। बंद कौन करवाया था? यही सब विधायक जी, विधायक बोले पुलिस कस्टडी में जब तक हमारा कार्यक्रम चलता है तब तक इसको बंद रखो। अच्छा, ऐसा बोलता है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर कि गौशाला चालू हो जाए और अहरा प्रथा यहाँ की बंद हो जाए, गायों का संरक्षण हो। सर, हिंदू हैं हम, गाय को देख के दया आती है, और अगर ऐसा होगा, गाय नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क जाम करेंगे। धन्यवाद। के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें, हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 0979-0630-20, 0969-4680-08।